नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। झारखंड के मुगमा ईसीएल बरमूरी में पुलिस की छापेमारी, 10 टन कोयला जब्त किया। ईसीएल मुगमा क्षेत्र के बरमूरी कोलियरे अंतर्गत नदी किनारे सीएसएफ एवं होमगार्ड के जवानों द्वारा शुक्रवार की सुबह छापेमारी कर करीब 10 टन अवैध कोयला जब्त किया गया। इस दौरान मैथन थाना प्रभारी माइकल कोड़ा मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि बरमूरी कोलियरी नदी किनारे कोयला तस्करों द्वारा भारी मात्रा में अवैध रूप से कोयला जमा कर उसे नाव के माध्यम से बंगाल टपाने की तैयारी की जा रही थी। उसी सूचना पर संयुक्त टीम बनाकर छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 10 टन कोयला जब्त किया गया है तथा इस धंधे में लिप्त लोगों की तलाश की जा रही है। निरसा संवाददाता मधु गौराई की रिपोर्ट।